सो हे व्हाट्सअप फ्री फायर गेमर्स, कैसे और आप सभी लोग में आज एक नए वीडियो के साथ। और आज कड़ो हम लोग बात करने वाले एफएफ टोकन के बारे में, क्योंकि आपको तो पता ही होगा फ्री फायर वाले भाई फिर से एफएफ टोकन को वाट लगा दिया, जिसकी वजह से भाई यार गेम में हिप हॉप एंड क्रिमिनल बंडल जितना रैंड नहीं उतना तो भाई एफएफ टोकन रैंड बन चुका है, क्योंकि एफएफ टोकन गेम में मिल ही तो नहीं रहा ना। इसी को देखते हुए मैं आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ। वैसे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन मैंने पहले जो भी एफएफ टोकन के ऊपर वीडियो बनाए थे उसमें अभी के टाइम में भाई बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग फिर से एफएफ टोकन को न्यू वीडियो लाओ, एंड आप लोग जो बोलोगे वो मैं नहीं करूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो यार आप सभी लोगों के कहने पर मैं आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को फिर से कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिस ट्रिक की मदद से भाई आप लोग अपने फ्री फायर आईडी में थोड़ा बहुत उतनी काफी सारे एफएफ टोकन ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिया है। तो यार यहां पर आप लोग देख ही सकते हो मेरे आईडी में कुछ 900 से भी ज्यादा एफएफ टोकन है। तो यार इतने सारे एफएफ टोकन मैंने कैसे लिया वो तो आपको वीडियो आगे देखने पर पता चल ही जाएगा। तो यार इसीलिए बोल रहा हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करते ही रहना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पूरा देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छे लगे, क्या पसंद आता है, तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यार आप सभी लोग आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हो, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दो। जब नीचे में लाइक का बटन देखने नहीं मिला उसको दबा करते हो। चलो अब इस बातों को साइड में रखते हैं, आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस आप सभी लोगों को पता होगा कि फ्री फायर का जो भी न्यू प्लेयर रहते हैं उनके आईडी में कुछ बंडल रहे या ना रहे, लेकिन भाई एफएफ टोकन का कोई ना तो कोई ड्रेस रहता ही रहता है। लेकिन भाई अभी के टाइम में फ्री फायर वाले एफएफ टोकन भाई गेम के अंदर दे ही नहीं रहे, तो यार ऐसे में हम लोगों को एफएफ टोकन मिलेगा कैसे? तो यार आप टेंशन मतलब आपका भाई अभी तक जिंदा है। तो यार इसी को देखते हुए आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक मदद से भाई आप लोग अपने आईडी में थोड़ा बहुत नहीं काफी सारे एफएफ टोकन ले सकते हो। और आज की वीडियो में मैं आपको जितने भी ट्रिक बताऊंगा वो भाई आपको सभी के सभी गेम के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। आपको कोई भी मतलब बाहर से कोई भी ट्रिक वगैरह यूज नहीं करना है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट ट्रिक की तरफ। यार फर्स्ट ट्रिक में एफएफ टोकन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको क्लक रॉयल के अंदर आ जाना। वैसे अगर आप क्लक रॉयल को देखोगे तो यार ये एक तरीके से एफएफ टोकन का खदान है, अगर आप क्लक रॉयल से एफएफ टोकन निकालने जानते हो। तो यार अब बात करते हैं कैसे आप क्लक रॉयल से काफी सारे एफएफ टोकन ले सकते हो। तो यार एफएफ टोकन लेने के लिए सबसे पहले तो आप लोग डायमंड रॉयल या एफएफ रॉयल दोनों में से आप लोग कोई भी से एक में आ जाना। आने के बाद अगर आप लोग यहां पर कभी भी पहले भी स्पिन किए होंगे तो यार आपके आईडी में काफी सारे कॉस्ट्यूम और काफी सारे गन की स्किन पहले से होंगे। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो डायमंड रॉयल के काफी सारे कॉस्ट्यूम मेरे आईडी में पहले से हैं और वेफर रॉयल का भी काफी सारे स्किन मेरे आईडी में पहले से हैं। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से स्पिन करता हूँ तो भाई यही चीजें मेरे को बार बार फिर से मिलेंगे। तो यार उसके बदले मेरे को काफी सारे एफएफ टोकन दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि यार यहाँ पर मैं तो डायमंड से स्पिन करने वाला नहीं हूँ, वाउचर से ही स्पिन करूंगा। यानी जितने भी वाउचर से हो तो मेरे को इवेंट से ही मिले हैं, जो भाई सबको पता है। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो मेरे आईडी में भाई कितने सारे वाउचर्स हैं। तो भाई ये सभी के सब वाउचर्स मैंने फ्री में ही लिया जो इवेंट ऐसे। तो इतने सारे वाउचर्स का अगर मैं यहां पर आकर स्पिन करता हूं तो यार आप लोग सोच नहीं सकते इतने सारे मेरे को एफएफ टोकन मिल जाएंगे, मतलब कि यार हजारों में। तो यार इस तरीके से मैं एफएफ टोकन डायमंड रॉयल और वेफर रॉयल से ले सकता हूं। अब बचा गाइस गोल्ड रॉयल। तो यार आप लोग गोल्ड रॉयल से भी काफी सारे एफएफ टोकन ले सकते हो। तो यार आप लोग गोल्ड रॉयल में आना, एंड गोल्ड रॉयल में आने के बाद भाई यहां पर आपको जो भी डायमंड एंड वेफर रॉयल में जैसा सीन होता है वैसा तो भाई यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यार इसके अंदर आपको जितना भी आइटम वगैरह देखने को मिलता है वो सब आपको कुछ लिमिटेड टाइमों के देखने को मिलता है। लेकिन भाई जो भी मेन बंडल होता है वो तो भाई आपको कुछ लिमिटेड डायमंड देखने को नहीं मिलता, मतलब को परमानेंट होता है। और इसको हम लोग भाई यार मतलब कितना भी ले सकते हैं, उसका कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब कि अनलिमिटेड। बस इसको लेने के लिए आपके पास बहुत सारे गोल्ड एंड गोल्ड रॉयल वाउचर्स होना चाहिए। तो यार गोल्ड रॉयल वाउचर्स तो आपको काफी सारे मतलब इवेंट वगैरह से मिल जाएंगे, और आपको गोल्ड तो गेम खेलने पर मिल जाएगा। तो यार इस तरीके से आप लोग गोल्ड एंड गोल्ड रॉयल वाउचर्स दोनों ही ले सकते हो, तो ले सकते हो। एंड लेने के बाद यहाँ पर आपको स्पिन करना है, और स्पिन करने के बाद जो भी फीमेल का यहाँ पर आपको बंडल देखने मिल रहा है उसको आपको निकालना है। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई मेरे आईडी में 4 लाख से भी ज्यादा गोल्ड है और वाउचर्स भी 200 से भी ज्यादा है। तो अगर मैं इतने सारे मतलब गोल्ड एंड गोल्ड रॉयल वाउचर्स की स्पिन करूंगा तो यार आप लोग सोच नहीं सकते इतने सारे मैं ये बंडल को निकाल सकता हूँ। एंड एक बंडल अगर मैं ओपन करूंगा तो मेरे को 10 एफएफ टोकन मिलेंगे। तो यार आप लोग समझ सकते हो कि मैं गोल्ड रॉयल से भी कितने सारे एफएफ टोकन ले सकता हूँ अगर मैं लेना चाहूंगा तो। लेकिन मैं लूंगा नहीं, क्योंकि अभी के टाइम में मेरे को एफएफ टोकन नहीं चाहिए, एफएफ टोकन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी मेरे को जरूरत होगा मैं इस तरीके से एफएफ टोकन ले लूंगा, एंड इस तरीके से आप लोग भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि यार ये ट्रिक सिर्फ मेरे लिए है, आप लोगों के लिए भी है, बस आप लोग ये सब ट्रिक को यूज नहीं करते। अगर आप लोग जब ये सब ट्रिक को यूज करने लग जाओगे तो यार आपके भी आईडी इतने सारे एफएफ टोकन हो जाएंगे कि यार आप लोग सोच नहीं सकते। तो यार चलो बढ़ते हैं हमारे सेकंड ट्रिक की तरफ। तो यार सेकंड ट्रिक में सबको पता है कि आपको फ्री फायर के अंदर काफी सारे ऐसे इवेंट वगैरह देखने को मिलते रहते हैं, जिस इवेंट के अंदर आपको कोई ना तो कोई बंडल बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो यार अभी के टाइम में आपको ये इवेंट के अंदर ये वाला बंडल बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, तो यार ये बंडल का आप लोग एक ले सकते हो। लेकिन काफी सारे ऐसे इवेंट
रहता है जिस इवेंट के अंदर जो भी बंडल को फ्री में दिया जा नहीं रहा है उसका कोई भी लिमिट नहीं रहता, मतलब कि उसको आप लोग अनलिमिटेड ले सकते हो। तो यार इसी तरीके से आपको बहुत पहले एक इवेंट देखने को मिला था ये वाला, तो यार इस इवेंट का मेरे को नेम याद नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग इस इवेंट से जो भी फ्यूल का बंडल नहीं है उसका आप लोग भाई यार इसका कोई भी लिमिट नहीं था, मतलब कि आप लोग अनलिमिटेड ले सकते थे यार थे। तो यार काफ़ी सारे लोग तो यार इस इवेंट से जो भी फ्यूल का बंडल नहीं है वो अपने ऐड में काफ़ी मतलब काफ़ी सारे लिए होंगे, और मैंने खुद इस इवेंट से जो भी फ्यूल का बंडल नहीं है वो 40-50 या उससे भी ज़्यादा लिए थे। तो यार सबको मैं ओपन करके इफेक्ट कर ले लिया, लेकिन अभी भी मुकेश भाई के आईडी में काफ़ी सारे बंडल बचे हैं जो भाई यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। तो अगर मुकेश भाई इतने सारे बंडल एक साथ ओपन करेंगे तो आप लोग मतलब सोच नहीं सकते कितने सारे एफ टोकन मिल जाएंगे। तो यार इस तरीके से इवेंट आपको और आने वाले भी दिनों में देखने को मिल सकता है, जिस इवेंट के अंदर जो भी रिवार्ड वगैरह नहीं है उसका आप लोग भाई लिमिट नहीं अनलिमिटेड ले सकते हो। तो अगर ऐसा कोई भी इवेंट आपको और आने वाले भी दिनों में देखने को मिलेगा तो यार मैं आपसे के लिए वीडियो बनाकर जरूर से बता दूंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर मेरे भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरीके का और वीडियो देखने के लिए फ्री फायर रिलेटेड और आने वाले भी दिनों में यूट्यूब के अंदर। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही था, यही तो कुछ ऐसे ट्रिक जिस ट्रिक मतलब आप लोग अपने ऐड में काफी सारे इफेक्ट टोकन ले सकते हो। एंड अभी के टाइम में भाई यार यही कुछ ट्रिक है जो सबसे बेस्ट है एंड सबसे ज्यादा इफेक्ट टोकन देने वाला है, और इसके बाद आपको कोई भी सा ट्रिक देखने को नहीं मिलता अभी के टाइम में। तो यार आप लोग भी जाओ एंड सब ट्रिक को यूज करके अपने आईडी में काफी सारे इफेक्ट टोकन ले लो। तो यार बस आज के उम्मीद यही था, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो यार कमेंट में लिख देना, कमेंट बॉक्स सिर्फ आपके लिए ही खुला है। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा या पसंद आया तो यार वीडियो को तो एक लाइक कर जरूर से कर दिए होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करो मेरे भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो लाइक करना फ्री होता है, इसमें कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगता। तो यार लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जो भी नीचे में लाइक का बटन देखने को नहीं मिला उसको दबा कर। तो यार चलो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शाम को स्ट्रीम में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक्स फॉर watching।